हे गाइस, दिस इज आंसर देवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द 1st मार्च, राइट? अगर 1st मार्च से नहीं तो 1st वीक ऑफ मार्च में कोई भी डेट वो आपके स्कूल्स चूज करेंगे और वहाँ से उनके प्रैक्टिकल्स वो कंडक्ट करवाएंगे। उनके पास पूरा मार्च का मंथ है, राइट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर रही हैं उन्हें, या बहुत कंफ्यूजन्स कह सकते हैं। वो सारी कंफ्यूजन्स मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग मैंने अपने प्रैक्टिकल्स में भी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 30 out of 30 स्कोर किया था। कैसे स्कोर किया था, कौन कौन सी बातें थी जो मैंने ध्यान रखी थी अपने प्रैक्टिकल्स में, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिकली। मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो और आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हो बेसिकली, राइट? तो मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन आपका प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स जो आपको मिली थी, को कर दी थी, उससे रिलेटेड बातें बताऊंगा। सेकेंड सेक्शन में परफॉर्मिंग दी प्रैक्टिकल, राइट? जब जो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, वो किस बेसिस पे मिलेगा और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड, जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे होंगे, प्रेजेंटिंग दी प्रैक्टिकल, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे ध्यान रखनी है, क्या सीक्वेंस रखना है, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ द लास्ट वन, दैट इज वाइवा, जब आपसे एग्जामिनर जो बाहर से आया होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल और वेरियस सच थिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट? ये 4 सेक्शन में ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप वीडियो लास्ट तक देखो, राइट? फर्स्ट सेक्शन जो है प्रोजेक्ट फाइल्स और प्रैक्टिकल फाइल्स, राइट? जब आप वाइवा अपना देने जाओगे एक्सटर्नल के पास, तो आपको अपनी दोनों फाइल्स लेके जानी होती है वहाँ पर, राइट? वो आपको आपके एग्जामिनर को देनी होती है, एक्सटर्नल एग्जामिनर को। वो आपके सामने उस फाइल को चेक करेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही पैटर्न फॉलो होता है, राइट? उस टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कवर जो है आपका प्रोजेक्ट फाइल का हो या प्रैक्टिकल फाइल का हो, वो बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन उस प्रैक्टिकल फाइल का उसका कवर ही देगा, क्योंकि वो अंदर, वो बाद में जाएगा, क्या पता वो अंदर जाके कुछ देखे भी नहीं, राइट? बट वो पहले कवर देखेगा, ठीक है? कवर के बाद जो दूसरी चीज़ वो देखेगा इंडेक्स, कि आपका इंडेक्स कंप्लीट है या नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपका इंडेक्स प्रॉपरली डन हो और बहुत अच्छे से लिखा हो, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो, राइट? उसके बाद अगर वो अंदर कुछ देखना चाहेगा, तो वो जो आपके सपोज फिजिक्स का प्रोजेक्ट फाइल है या प्रैक्टिकल फाइल है, तो उसमें ग्राफ्स होते हैं, तो वो ग्राफ कितने अच्छे से आपने बना रखे हैं, उसमें पेन यूज़ किया है या पेंसिल यूज़ किया है, वो भी आपको एक गुड इंप्रेशन दे सकता है अगर आपने अच्छे से पेंसिल से बनाए ग्राफ्स। और डायग्राम्स, केमिस्ट्री में डायग्राम्स होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में डायग्राम्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देने वाला है वाइवा, जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा लेगा, राइट? क्योंकि उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको वाइवा के नंबर देने वाला है बेसिकली, राइट? ये दो चीज़ें आपको कवर, इंडेक्स एंड द थर्ड थिंग इज ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये तीन चीज़ें हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी फाइल बीच में एक दो चीज़ें ना हो, क्योंकि उसको उस पर ध्यान नहीं जाएगा, उसने लास्ट में वो टीयर अप ही करने हैं 3-4 पेजेस, सो दैट वो आगे कोई और यूज़ ना कर पाए वो प्रोजेक्ट फाइल। इसलिए बोल रहा हूँ, मेनली ये तीन चीज़ें जो बाहर बाहर से दिखती है एक एग्जामिनर को, वो चेक करता है, तो उस पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? और 10 मार्क्स के आपके ये प्रोजेक्ट फाइल्स और प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं, तो 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 30 मार्क्स में से, राइट? तो ये सेक्शन में तो यही चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। अब जो दूसरा सेक्शन है परफॉर्मिंग दी प्रैक्टिकल, सी इसमें ये बात ध्यान रखना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो आपको प्रैक्टिकल देगा ना, जो आपको परफॉर्म करना है, वही प्रैक्टिकल आपको लिखना भी होगा, राइट? तो वो प्रैक्टिकल कौन देगा, आपका स्कूल टीचर जो आपको फिजिक्स पढ़ाता है या जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाता है, वही आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को देगा और आपको वही प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, राइट? अब उसमें आपको ये डर नहीं है कि आपको कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आके कोई भी प्रैक्टिकल पकड़ा दे, राइट? अब इसमें दो सिचुएशन अराइज होती है। पहली सिचुएशन जहाँ पर टीचर एक दो दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को ये बता देता है कि 6-7 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं यार, इसमें से कर लेना, इसमें से आई विल पुट अप दी प्रैक्टिकल जो आपको मिलेगा, इसमें से मिलेगा, तो आई एम डेडली श्योर कि उसी 6 प्रैक्टिकल्स में से ही आपको कोई एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने को मिलने वाला है, क्योंकि टीचर आपका है, उनको भी पता है कि आपको मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल्स में, ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, बूस्टअप हो जाए, राइट? तो इसलिए बोल रहा हूँ, टीचर की बात मानना, अगर वो बोल रहा है कि वो 6 प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करके जाना, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा आपको चाहे कुछ मत करो, बस वो 6 प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर लो, राइट? और दूसरी सिचुएशन ये राइज होती है कि कभी कभार टीचर नहीं बताता, बहुत स्कूल्स में होता है टीचर नहीं बताएगा,
आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको दो प्रैक्टिकल्स, कोई भी, सारे प्रैक्टिकल्स मत करो, कोई भी इतना पागल नहीं होगा जो सारे प्रैक्टिकल्स रट के आएगा राइट लिखने के लिए, तो कोई दो दो प्रैक्टिकल लर्न करके आ जाओ अपने सीवियर के लिए। अगर बाई चांस वो टीचर कोई ऐसा प्रैक्टिकल देता है जो आपको नहीं आता, तो आप एटलीस्ट अपने स्कूल के टीचर को तो ये कन्विंस कर पाओगे ना कि मैम ये वाला प्रैक्टिकल नहीं आता, या सर ये वाला प्रैक्टिकल नहीं आता, मैंने दो प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करे थे, उसमें से आप कोई दे सकते हो तो प्लीज़ दे दो, सो दैट मेरे मार्क्स बच जाए। कन्विंस हो जाते हैं टीचर्स, क्योंकि उनको पता है कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कन्विंस हो जाते हैं, तो आपको वो प्रैक्टिकल वही दे देंगे जो आपने करा होगा, ताकि आप अपना पॉइंट रखोगे कि हाँ चलो इसने कुछ तो प्रिपेयर करा है, उसी में से दे देते हैं। अगर आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके जाओगे इस डर से कि यार इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर आप अपने मार्क्स लूज कर जाओगे। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट टू प्रैक्टिकल्स, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो दो प्रैक्टिकल कोई भी अपने चॉइस के लर्न कर जाओ जो आपको लिखने को मिले या आपको परफॉर्म करने को मिले, और उनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, एक बार यूट्यूब पे दो दिन पहले या एक दिन पहले देख के चले जाओ, ठीक है। और अब इस पूरे उसमें तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपको टीचर वो दे रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, तो आप उन्हीं में से करो, उसके अलावा नहीं आएंगे बाहर से। और बाई चांस अगर टीचर नहीं दे रहा है तो आप अपना दिमाग लगा के कोई दो प्रैक्टिकल्स जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो कर जाओ, ठीक है, ताकि आप मैम को अपना पॉइंट कन्विंस करवा सको, ठीक है। तो इस सेक्शन में भी यही बात थी। थर्ड सेक्शन है हमारा, दैट इज प्रेजेंटिंग द प्रैक्टिकल। अब जब आप प्रैक्टिकल लिखने बैठोगे, आपने परफॉर्म कर लिया प्रैक्टिकल, अब आपको लिखने की बारी आ रही है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। पहला सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ द प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप एम के बाद सीधा थ्योरी पे जंप नहीं कर सकते, एम से पहले आपको, एम के बाद सॉरी आपको अपैरेटस रिक्वायर्ड लिखना है, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिजल्ट्स। तो ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है प्रैक्टिकल का। चाहे अगर आपको सीक्वेंस पता ना हो ना, एक बार मैम से उसी टाइम कंफर्म कर लेगा कि मैम सीक्वेंस बता दो मुझे सब लर्न है, तो मैम बता देती है। इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता उस टाइम पे एटमॉस्फेयर, टीचर्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कि एक्सटर्नल आ रखा है, तो आप लोगों पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा लीनियंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पहली सीक्वेंस कंफर्म कर लेना कि मैम किस सीक्वेंस में चाहती है, और उसी सीक्वेंस में अपना प्रैक्टिकल लिखो, ताकि आपके सीक्वेंस के नंबर नहीं कटे। दूसरी बात, अगर बाई चांस केमिस्ट्री में ऐसा प्रैक्टिकल मिला है जहाँ पर डायग्राम है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को सिर्फ लिखना है वो डायग्राम मैं मिस कर सकता हूँ, नो, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो प्लीज़ बना के आओ, कैसे भी करके बस बना के आ जाओ, क्योंकि वो डायग्राम के भी मार्क्स होंगे उसमें, ठीक है। और अगर फिजिक्स में कोई ग्राफ है तो वो ग्राफ भी आपको बनाना होगा, तो ये दो चीज़ें आपको पेंसिल से बनानी होगी, ग्राफ हो या डायग्राम हो, ये दोनों चीज़ें आपको पेंसिल से बनानी है। अगर आपने पेन से बनाया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो याद रखना कि आपको ये दो चीज़ें पेंसिल से बनानी है। सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, जब आप पेपर लिख रहे होंगे आपको जो शीट मिलेगी जिस पर आपको प्रैक्टिकल अपना लिखना होगा, उसमें सीक्वेंस, उसमें डायग्राम, उसमें ग्राफ्स बहुत मैटर करता है। और थ्योरी में बेसिकली बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रोसीजर में जो आपने करा था आप वो लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट थ्योरी आपको लर्न करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो उसमें कुछ पॉइंट्स लर्न करके चले जाना, सारी थ्योरी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज वाइवा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाइवा का, जो आपके बहुत अच्छे मार्क्स ला भी सकता है और गवा भी सकता है, ठीक है। तो वाइवा में बेसिकली आपको वाइवा, मैं आपको पहले सेक्शन पे लेके जाता हूँ, आपके जब आप प्रैक्टिकल फाइल्स चेक कर रही होगी, प्रोजेक्ट फाइल्स चेक हो रही होगी, उस टाइम पे यू विल बी थोड़ा नर्वस, क्योंकि उस टाइम पे वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होगा, मे बी क्वेश्चन पूछ रहा होगा, बट कभी कभार क्या होता है वो पहले प्रैक्टिकल फाइल्स चेक करने के बाद ही क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट करता है आपका एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, राइट। सो उस टाइम पे आप नर्वस हो गए, बट डोंट बी नर्वस, आपको कॉन्फिडेंटली जो आंसर दे रहे हो यू हैव टू डू इट वेरी कॉन्फिडेंटली। पहला यही पॉइंट है कि जो भी आंसर आप दोगे जिस भी क्वेश्चन का, चाहे आपको वो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं आता है, बट जो भी आंसर आप बोलो वो कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे वो गलत हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है अपना, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सी अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बोलूँ तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन वो यही पूछेगा कि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, उससे वो दो तीन क्वेश्चन पक्का पूछेगा, चाहे वो उसका एम पूछ सकता है, चाहे वो उसका अपैरेटस रिक्वायर्ड पूछ सकता है, चाहे वो उसका प्रोसीजर पूछ सकता है, चाहे वो आपका ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, या चाहे वो आपका रिजल्ट पूछ सकता है वन लाइनर, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको वो प्रैक्टिकल जो आपने परफॉर्म किया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी दोस्त ने किया उसका देख के मैंने भी कर लिया, बट यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि उसमें से आपका पक्का एक ना एक चीज़ वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, दूसरा उससे रिलेटेड कुछ चीज़ जैसे अपैरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने रिक्वायर करी, उसके बाद कौन क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली, इससे रिजल्ट क्या निकलता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल है, राइट।
सो प्लीज़ इन सारी बातों को जो भी मैंने सेक्शन में डिवाइड करके आपको सारी बात बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें, उनका कवर बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका इंडेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स लर्न करके जाने हैं 2 या 3, और फिर आप चैप्टर्स अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हो, 2 या 3 इज एनफ, राइट। उसके बाद अब इस चैनल पे और बहुत सारी कंटेंट आने वाला है रिलेटेड टू ये बोर्ड एग्जाम्स, जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स पास आएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी मेरे चैनल से रिगार्डिंग वो आप तक आ जाएगी और आप मेरे चैनल की वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।